एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य के सृजन में समाज के रंग नजर आते हैं। ये बात केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कही। वे शहर की उदयमान रचनाकार कल्पना सिंह द्वारा लिखित कल्पतरु काव्य संग्रह के विमोचन में समारोह में बोल रहे थे। पुस्तक का विमोचन आज प्रगत शैक्षिक स्थान PSM परिसर ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने कहा कि पुस्तक के पहली झलक में ये नजर आता है कि लेखिका की श्रद्धा अपने गुरु के प्रति कितनी अगाध है। गुरु की कृपा के बिना हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उनके गुरु आचार्य हरिशंकर दुबे की सिखाई साहित्यिक सीख के चलते लेखिका ने जो समाज के रंग देखे उसे अपने पुस्तक में पिरो दिया। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे साहित्यिक कार्यक्रम का हिस्सा बन पाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि शहर के साहित्यकारों ने अवसर मिलने पर हमेशा अपनी छाप छोड़ी है। कल्पना सिंह का काव्य संग्रह कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। इस रजन में सामाजिक सरोकार है तो समस्याओं का समाधान भी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर राम कुमार स्वर्णकार, संयुक्त संचालक जबलपुर, जगेंद्र सिंह अध्यक्ष नगर पंचायत पाटन एवं घनश्याम सोनी जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर मंचासीन रहे। एम्बेसिडर 24 न्यूज एक्सप्रेस जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता शिवानी बेन की रिपोर्ट। समस्त आचार्यों अधिकारियों कर्मचारियों को सादर प्रणाम और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी समस्त सज्जनों को मेरा सादर। ऐसे कैसे नाम बदला लेकिन आज भी लोग उसको PSM। आपको अलग अलग करते हुए हम हर समझे कल्पना सिंह द्वारा लिखित कल्पतरु काव्य संग्रह प्रति का विमोचन समारोह अत्यंत गरिमा में आज मेरी स्वरचित रचन कल्प काव्य रचना जिसमें 90 कविताओं का संग्रह है का विमोचन हुआ है और इसका विमोचन बड़ी बड़ी हस्तियों ने किया है। ये सभी लोग देख रहे हैं। इसमें 90 कविताएं हैं जिसमें मैंने सभी विषय पर लिखने की कोशिश की है। मैंने इसमें पर्यावरण पर, स्त्री पर और शोषित वर्ग गरीब किसानों पर और दलित वर्ग पर सभी पे वो किया है। और मेरा नारा है वसुधैव कुटुंबकम और आओ प्यार का विस्तार करें। और मैं युद्ध के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ और मैंने अपने देशभक्ति और वीर जवानों पर भी बहुत कविताएं लिखी हैं। इसमें 11 गीत हैं जो कि गीत के उसमें उनमें तुकबंदी है प्राप्त करके और उन्होंने इस काव्य की रचना की। अत्यंत मार्गदर्शक और प्रेरणादायक ये काव्य है। आप सभी से चाहूँगा कल्पतरु को अवश्य पढ़ें और कल्पना जी और पूरे परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद दें जिससे वो निरंतर ऐसे समाज के लिए नेक कार्य में लगी रहें। हम सबको माँ नर्मदा की यही प्रार्थना है कि ऐसे सभी कला जगत के लोगों को, ऐसे कला के क्षेत्र के लोगों पर माँ नर्मदा अपना आशीर्वाद बना के रखें। मैं कल्पतरु की रचनाकार श्रीमती कल्पना अमर सिंह जी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी गुरु की भूमिका में आदरणीय दुबे जी का अभिनंदन करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि साहित्य लेखन और साहित्य का पठन पाठन ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के आईने हैं जिन्हें हमें देखते रहना चाहिए। उससे हम अपने क्रियाकलापों का भी बेहतर आकलन कर पाएंगे। इस पवित्र जगह पर इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं सभी आयोजकों को भी बधाई देता हूँ।